बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं मोहम्मद, तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है और इन्हें चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है पाकिस्तानी क्रिकेट रोज इंडिया वन पर वर्ल्ड कप पाकिस्तान कराए। तो देखते हैं कि वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन हम करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी, बंदे गद्दे लगाकर कैच प्रैक्टिस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे फील्डिंग करने ग्राउंड पर गद्दे लेकर ही उतरेंगे। अबे साले भाई, जब जब आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, पारियों का कोई ना कोई चुतियापा शुरू ही हो जाता है। अब यहाँ बंदे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गद्दे लगाकर कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप से कुछ महीनों पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल मौजूद है यहाँ पर अपने फिटनेस कैंप की वजह से। हमारी पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान कर रहे हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद भी बंदों का T20 वर्ल्ड कप में हश्र क्या हुआ। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अब बोल। तो नाज़रीन, भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आर्मी चैंपियन बन गया है। और भाई, एक तरफ भारत में T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया जा रहा था, भाई पोर्गी किस बात की खुशी मना रहे थे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड खेलने से बच गया। भाई ये तो इन पोर्गो की हालत हो गई है। पोर्गो को वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, बंदों को वर्ल्ड कप 2026 में जगह बनाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पोर्गो को अपनी टीम में कोई कमी नजर नहीं आती। इनको उंगली किस पर उठानी है। तो आईसीसी इंडिया को इतनी फेवर्स देता है, मतलब हर लिहाज से उनको लाडला बनाया हुआ है। और जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीता, और जैसा मैंने कहा था कि मेरी भरपूर सपोर्ट इंडिया के साथ है, इन पोर्गो के दोगलेपन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। बंदे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करते फिर रहे थे। देखिए, बात यह है कि इस बार साउथ अफ्रीका का हक बनता है ट्रॉफी, क्योंकि उनके पास कोई ट्रॉफी नहीं। और वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत ये वर्ल्ड कप कैसे ना जीतता। इन पोर्गो में भारत के लिए इस कदर नफरत भरी हुई है कि बंदे भारत की हार के जश्न की तैयारी में बैठे थे। जिस भी पोर्गी को देखो, फुल सपोर्ट है साउथ अफ्रीका की तरफ। मेरा दिल बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। अगर फाइनल ये जीत जाते हैं तो सही सेलिब्रेशन तब करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गए। जेंटलमैन, सब उदास है, क्या हो गया सलमान? बड़ा अफसोस हुआ है। ज्यादातर जो डिजर्व करते थे वो साउथ अफ्रीका करते थे। जीतना तो साउथ अफ्रीका को चाहिए था। पोर्गो को साउथ अफ्रीका की हार का इस कदर सदमा लगा कि बंदे अभी तक उससे उभर नहीं पा रहे। बंदे इंडिया पर तो पूरे वर्ल्ड कप में घपलेबाजी का आरोप लगाते ही रहे थे, साउथ अफ्रीका की हार के बाद उसके भी पीछे पड़ गए। साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 6 विकेट बाकी, 4 ओवर बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। 24 बॉल पे 26 रन हो तो वो आप मैच हार जाए, इवन 2 ओवर पड़े हो तो टीम मैच जीती है। जब 24 पे 24 चाहिए थे उसके बाद आप कैसे हार सकते हैं? ठीक वैसे जैसे 47 पे 47 चाहिए था तो तुम हारे थे। मतलब पोर्गो की खुद की टीम 8 ओवर 8 विकेट हाथ में होने के बावजूद 47 रन नहीं बना पाई। पोर्गो को उसका मलाल नहीं, बंदे उंगली किस पर उठा रहे साउथ अफ्रीका पर, जो 176 रन चेस करते हुए लास्ट ओवर में हारी। बंदों ने तो यहाँ तक कह दिया, जो पूरा वर्ल्ड कप था ना, ये तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप जो है सिर्फ इंडिया के लिए जो है अरेंज किया हुआ था। तो डिजर्व नहीं था करता इंडिया जीतना, ये डिजर्व, ये आईसीसी से जो है ना, ये मुंसलिक है, इनके अपने ग्राउंड होते हैं। मतलब लिटरली साउथ अफ्रीका वाज नियर टू विन। 30 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे और वो एंड में उन्होंने तो इस तरह विकेट्स गिराई हैं, वो साफ पता चल रहा था जैसे मैच फिक्स हुआ हुआ है। इंडिया की साजिश है। अगर पूरे वर्ल्ड कप में पोर्गो का यही चलता रहा, इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया है। उनके सारे मैचेस न्यूयॉर्क में रखे गए, गयाना में सेमीफाइनल इंडिया का ही क्यों रखा गया। जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। बुमराह बड़ा नुकसान दिया, उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए। कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि जबरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स का रोना ड्रामा होना हो, लेकिन तुम पोर्गो का रोना रियल जरूर लग रहा है। और पोर्गो, अगर रोते रोते तुम्हारी आंखों से आंसू सूख गए हो तो ये लो आंखों में आंसू लाने की दवा, इसे बार बार प्ले करके देख लेना। अब बोलिए,
ऐसा लग रहा है। फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वात घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले गया। देख रहे हो भाई इंडिया की जीत पर कुत्ता कैसे रो रहा है? कुत्ता नहीं रो रहा है, इंसान कुत्ते के रूप में रो रहा है। अभी पोरिको सच सच बताना, तुम्हें इंडिया में वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखकर दुख तो बहुत हो रहा होगा ना? हाँ दुख है, पूरी दुख, बहुत ज्यादा दुख है भाई। होना भी चाहिए, अगर वर्ल्ड कप इंडिया जो जीता है, अगर तुम्हें लगता है इंडिया ने चीटिंग की है। अपन खुला बोलते हैं क्या? अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। मतलब खुद की टीम सुपर एट में ना पहुंच कर सीधे घर पहुंच गई और वर्ल्ड कप टीम पर जहर ना उगल कर जहर किस पर उगल रहे? पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन रही इंडियन टीम पर। नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। लेकिन भाई इससे पहले पोरिको का इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने का जख्म भरता, उससे पहले उन्हें एक नया जख्म और मिल गया और वो जख्म था बीसीसीआई द्वारा इंडियन टीम को दी जा रही प्राइज मनी का, जो आईसीसी द्वारा दी गई लगभग 20.5 करोड़ प्राइज मनी से कहीं ज्यादा थी और बीसीसीआई द्वारा दी गई प्राइज मनी कितनी थी? 125 करोड़। ये खबर सुनते ही पोर की इतना सारा पैसा। वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम पर पैसों की बारिश हो गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मालामाल हो गए। अबे झोपड़ी वालों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मालामाल थे कब नहीं? अपने खिलाड़ियों की तरह भिखारी समझा है क्या, जो $25-25 के लिए सड़कों पर जाकर लोगों को सेल्फी देते फिर रहे थे? क्या रे भीख मंगया? भाई पोरिको का USA जाकर ट्रॉफी जीतना कभी मकसद भी नहीं था, इनका पूरा फोकस था डॉलर्स पर। एक तरफ पाकिस्तानी प्लेयर सड़कों पर जाकर $25-25 छाप रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाक मीडिया लाल किस्त पर टपका रही थी। आईसीसी का जो ये वर्ल्ड कप है कि हाईएस्ट प्राइज मनी एवर, अब तक इतनी ज्यादा प्राइज मनी जो है वो नहीं रखी गई। टोटल प्राइज मनी है $11.25 million। मतलब खुद की टीम की परफॉर्मेंस का पोरिको के पास कोई हिसाब नहीं, लेकिन आईसीसी प्राइज मनी के रूप में कितने डॉलर देगा? बराबर याद रखते हो भाई, इन भिखारियों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? या तो इन्हें आईसीसी टूर्नामेंट में डॉलर नजर आएगा। ये 2017 में कुदरत के निजाम के भरोसे जीती हुई एक चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको इंडिया से हर हार के बाद आगे करके पोर की। पाकिस्तान ने जो 18 जून 2017 को जिस अंदाज से भारत को हराया था, वो जख्म अभी तक उनका भरा नहीं है, वैसे ही जख्म हरा है। अच्छा, और जो भेड़ के घोड़े 2017 के बाद इंडिया के बाद एक जख्म देता रहा था, उसका क्या? अरे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अच्छा चल वो सब छोड़, अभी जो वर्ल्ड कप में कुछ दिनों पहले जख्म दिया था वो भर गया या नहीं? भारत के हाथों पाकिस्तान की नाकाबिले यकीन शिकस्त के जख्म अभी तक ताजा है। प्यारी समझ गई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चले जी वीडियो खत्म होगी भाई साहब, क्या रोज था भाई, मजा ही आ गया। और जो पाकिस्तानी टीम भाई ट्रेनिंग कर रही है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्या धातु लग रहा है। ये एक ही स्टेप था। अच्छा मुझे ये बताओ याकूब भाई, किस तरह करना चाहिए जब इन्होंने डाई लगाकर कैच करना है मैच के अंदर, उस वक्त गद्दे पड़े होंगे, गद्दे तो इनकी पसलियां टूटेंगी फिर। ये का तरीका है वो इंडियन टीम देखी कोहली वो ऐसे बगैर प्रैक्टिस खड़े होकर बैठ कर, हालांकि स्लिप पर तेजी से बहुत जाती है जब बल्ले पर लगते है ना, वो कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे देख लो इधर से कोच स्लो मोशन में बॉल फेंक रहे हैं, तो उधर से जंप लगा कर और गद्दे पे और गद्दे पे डाई लगा के खुद ही हीरा मार रहे थे। वाह क्या डाई लग गई। तो फिर ये गद्दे पे प्रैक्टिस करने वाले कल को भाई साहब इसीलिए डाई लगाते हैं क्योंकि उसके पास गद्दा होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है असल में, उन्होंने गद्दे की प्रैक्टिस की है। वो उलझन सी रहती है ना, वो उलझन रहती है घास पर कैसे डाई लगाए भाई। वो ना भाई शुरुआत में जब मैं ना हाई जंप लगाता था ना, तो हमारे पास उस वक्त ना स्कूल में गद्दे की सहूलत नहीं होती थी, यकीन माने वो खुद ना वो गोड के मट्टी को नरम करके, तो उसके ऊपर ना जंप लगाने, हालांकि मैं गिरता था कोनी मेरी लगती थी सीधी जमीन के ऊपर, तो हालांकि दर्द भी होता था लेकिन वो मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाला सीन हो जाता। कोई नहीं भाई साहब ये चीज तो होती है, तो उस वक्त भाई कोई डर नहीं था कि भाई साहब हम ना जमीन पे छलांगे लगा रहे हैं। तो फिर कॉलेज में गए तो वहां पर भाई ये सीन था कि गद्दे थे तो गद्दों पे लगाना जाप शुरू हो गए, तो फिर जब वो आए घर आए तो ट्रेनिंग करनी थी तो यहाँ पर गद्दों की सहूलत नहीं थी तो जंप हुआ ही नहीं भाई। वो भाई साहब माइंड सेट बन जाता है, वो ऐसे ही लगे कि भाई साहब अब अगर जिस तरह मर्जी छलांग रहे आगे गद्दे हैं वो आपको बचा रहे हैं, इधर तो ये होता ना जहां पर खुदाई नहीं हुई तो उधर भी गिरने के चांस होते हैं। बिल्कुल भाई, उस वजह से बंदा प्रॉपर्ली माइंड मेंटली तौर पर नहीं सेटिस्फाई होता। तो भाई ये बड़ा फर्क पड़ता है भाई, आपको सांप सूंघ गया क्या हुआ? ये फौतकी पे चला गया था ना,
मैं तो उस दिन बात करूंगा जिस दिन ये तो भाई साहब ये तो क्रिकेट का जनाजा लेकर जा रहा है एक नहीं है इंडिया का प्रेशर पाकिस्तानी टीम के ऊपर यूएसए से हार गई जो क्वालिफाई नहीं कर रहे उस जगह तो प्रेशर की वजह से भेजी है साजिश है इंडिया की हमें इंडिया के पोस्ट से हटा दे फिर देखते इंडिया हमारा कैसा मुकाबला करेगा ये सही बात है साजिश की गई है राह की साजिश हो सकती है झूठ बोला आपने पाकिस्तान जिंदा मतलब राह की साजिश नहीं हो सकती ना ये भाई साहब कुछ भी मुमकिन है बिजली चली गई मैं गुजारा चला ले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाया करो भाई पाक फौज जिंदा हां हर मर्तबा मुझे तुम नारा लगाने के लिए कह देते हो तो भाई साहब बाकी बात करें पाकिस्तानी टीम की तो जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और भाई पब्लिक का कितना जोश होता है कि जब कोई टीम खेलती है तो कहती है इंशाल्लाह इस दफा इन्होंने ना भाई साहब पाकिस्तान आर्मी का नाम भी में मिला दिया है पहले बड़ा उनका उनसे ट्रेनिंग ली है पहले पहले क्या कह रहा है ये देखो जब इन्होंने देख कैसी बात भाई साहब जब इन्होंने ट्रेनिंग ली थी शायद आप लोगों ने वीडियो देखी हो मैंने कहा भाई साहब सरेंडर वाली टीम बन गई अमेरिका के सामने सरेंडर अफगानिस्तान के सामने सरेंडर नहीं वो बोल रहे थे एक भाई साहब क्रिकेट के मैदान में हम अमेरिका को हरा सकते थे वो भी नहीं हरा सकते बाकी किसी मैदान में नहीं रबो होगा भी भाई साहब से गवा दिया अच्छा जो इंडिया से जीते वो बड़ा याद है कहते वो रकम बिता वो एक 2017 को जो है नहीं नहीं और उसके बाद 10 मरतबा हो चुके हैं जो पाकिस्तान ने हराया था ना वो भाई हराया बड़ा कमाल का था दो बंदे गए थे वो फेल के आ गए वो एक मैच है 10 ओवर भारी वो सारी जिंदगी भारी रहेगा भाई अगर दो बंदे भाई पाकिस्तान को हराए तो फिर मानेंगे हम कोई हराया इस तरह का मैच आज तक नहीं हराया हार हार होती है जीत जीत अच्छी चाहे एक स्कोर एक जीतो नहीं करके हराना होता है एक भाई साहब होती है भाई मुझे ये बताओ 10 मैच हो चुके हैं बड़े इवेंट्स के पाकिस्तान और इंडिया के एक मैच पाकिस्तान जीता और बाकी 9 हारे कौन वो कुत्ते वाले नहीं हुई आपके साथ जितना बोल रहा था ना इंसान बकवास बंद कर रहे कभी कभी कहता है कभी कभी इंसान कुत्ता की शक्ल में रहती है ये कुत्ता है दाना की शक्ल में रो रहा है इस तरह का वो ना एक लतीफा भाई आ गया यार वो किसी बंदे के पास ना शेर था ना तो बंदा आया तो उसने बोला भाई साहब अपने कुत्ते को क्या चीज खिलाते हो जो उसकी शक्ल शेरों जैसी लगी है वो कहता है साले ये है शेरी लानिया बाद कर करके क्या तो कितने जाती होगी तो भाई मतलब ये कि भाई क्या है कुत्ते जितनी करे लेकिन वो शेर कुत्ते जैसी आदत होगी शेर की तो भाई अब कुत्ते को बंदे के साथ मिलाए या बंदे को कुत्ते से मिलाए बात है बेइज्जती भाई साहब बंदे की होनी है बिल्कुल तो भाई अभी अच्छा पाकिस्तानी कुछ सारे ऐसे न्यूज आकर वो बोल रहे थे ये डिजर्व तो इतना वो चीज जो टीम एक साइड है वो यकूब वाला ही है ना यकूब वाले की सारी आस उम्मीदें जो ना साउथ अफ्रीका की तरह भी थी उन बेचारा का भी सत्य नाद कर दिया इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह ये ट्रॉफी लेकर आएंगे घर पे ही अब वो बोल रहे थे 24 बॉल पर 24 स्कोर और 6 विकेट वो कैसे मुमकिन हो सकता है बोल रहे थे साहब 47 बॉल पर 47 नहीं यकूब है यकूब की भी संपत्ति जो थी ना सब थी वो भाई साहब थी साथ में साउथ अफ्रीका के क्योंकि इसको तरस आ रहा था उनके ऊपर कि भाई इसको 30 साल हो गए एक भी ना टाइटल जीते नहीं तो इसलिए जो है ये जीतना चाहिए ये हक उनका बनता है तो इंडिया बड़ा दिल करे और ट्रॉफी दे दे तो भाई इंडिया ने बड़ा दिल नहीं किया ले ली खुद अब भाई ये भी तो देख 140 करोड़ जनता का दिल तोड़ना आसान काम है कोई आसान पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले भी तोड़ चुके एक साल भी नहीं हुआ उसको अब भाई एक और भी बात है पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है ये इंडिया को इसलिए ज्यादा नहीं हराते
क्योंकि भाई हम तो चलो 25 करोड़ हम बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत टीवी तोड़ दिया ये वो, लोग रोए तो भाई नहीं देखा जाएगा। और हमारी टीम का इस मामले में बहुत बड़ा दिल है और हमारी उनका भी बहुत बड़ा दिल है। हाँ। तो हम हार बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आपको रोता हुआ नहीं ठीक है भाई। लेकिन भाई एक दफा ना भाई ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ना ये किसकी होगी भाई? पाकिस्तान की। नहीं यकूब के दिल की बात पूछ लेते हैं। अभी जितनी देर तक फाइनल नहीं होता उतनी देर तक पाकिस्तान की है भाई साहब। चैंपियन ट्रॉफी जब तक तो पाकिस्तान के पास होगी इनकी ही है। जब खेलना शुरू हो जाएगा वो और ले जाएगा पाकिस्तान ने जीते। अगर इंडिया फेल के चला जाए तो फिर सबसे बड़ी बात होगी। अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ इंडिया के तो याद करके आए गुरुवादा करके मिसालें आते भी है वो अगर जीत के जाते हैं पाकिस्तान के अंदर से इंडिया का जीत के जाएगा ये बहुत मेहनत बड़ी बात बहुत बड़ी बात बिल्कुल ऐसी बात। और इंडिया डरता भी है इस चीज से भी कि हम जीत नहीं पाएंगे इधर से पहले ना उन्हें डर किसी टीम को किसी का नहीं होता। वो आपने देख लिया अफगानिस्तान ने बड़े बड़ी टीमों को भेज दिया जैसे आप लोगों ने दिल दरिया किया ना भी आप लोगों ने बोला कि हम हार सकते हैं लेकिन इंडिया का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते वैसे इंडिया भी कर रहा है कि हम उधर जाकर पाकिस्तान को जाकर रोना नहीं सकते इस वजह से हम नहीं जाएंगे। चलो तो भाई चलो भाई कोई बात नहीं। तो आज एक और स्कीम बता रहा था कहता है अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आती तो ये श्रीलंका को बुला रहे हैं ये अपने से सोच लड़ाता रहता है। मैं और टीम में तो लाजमी होनी है ना जिसका हिसाब इंतखाब कर लिया गया लेकिन इंडिया भाई साहब चैंपियन है ये भी तो देखें इसके बगैर उसके बगैर टूर्नामेंट ही है ना भाई साहब और कर लेंगे इंडिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलो हाइब्रिड होगा भाई इंडिया के मैच की कमाई थोड़ी ज्यादा होती है वो चलो आधी आधी श्रीलंका या दुबई के साथ कर लेंगे दुबई भी हमारा मुस्लिम ब्रदर कंट्री है तो वही बात होगी एशिया का बारे। हां सारे मैच जो है वो तो बाहर खेले जा रहे हैं एक ही मैच होगा फिर एक कैसे हो गया सऊदी अरब इंडिया के साथ और में जिसने भी खेलना वो तो बाहर ही जा रहे हैं। चलो फिर पाकिस्तान को क्या फायदा क्या फायदा पाकिस्तान उसके आते पैसे लेगा ना। वाह भाई वाह अजीब बात है ये। चलो जी ठीक है आपने देखा थोड़ी देर बिजली आई झटका लगा फिर चली गई और यही हालत भाई हमारे क्रिकेटरों का भी और हमारा भी आज कल थोड़ा सा यही हाल है। तो ठीक है भाई इंडिया ने भाई साहब जीता है और भाई साहब जो जीता है ना वो भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो ठीक है भाई इसमें साजिश कोई नहीं होती लेकिन भाई कुछ कंट्रियों की कोशिश होती है कि भाई पाकिस्तान पैसे ना कमा जाए इसलिए इंडिया जो है वो आना नहीं चाहता। कितने कंट्री पाकिस्तान इंडिया तो कम से कम चाहता है अभी हो सकता है अफगानिस्तान भी चाहता हो। तो ठीक है भाई अपनी रात रूप का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।